हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। यस्टरडे आई हैड टॉट यू द फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इट्स यूज एंड टोल्ड आइडेंटिटी। एंड टुडे आई विल टेल यू द एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जांपल फर्स्ट है ये आपका, कल मैंने आपको इसके रूल्स बता दिए थे कि सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, और सिंस फॉर का यूज़ कहाँ कहाँ होगा ये भी बता दिया था। पहला एग्जांपल लिख रखा है मैंने, बच्चा 2 घंटे से रो रहा है। इसको हम किस तरीके से चेंज करेंगे रूल्स के अकॉर्डिंग? सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश, बच्चे की इंग्लिश चाइल्ड, पर्टिकुलर रूप से इसलिए द चाइल्ड, चाइल्ड सिंगुलर है इसलिए उसके साथ क्या यूज होगा? हैज बीन, क्योंकि हमारी हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन। अब आएगी वर्ब, क्या काम कर रहा है बच्चे इसमें? रोने का, रोने की इंग्लिश वीप। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? आईएनजी फॉर्म, तो हम वीप में क्या लगा देंगे? आईएनजी। अब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, प्लस सिंस या फोर। अब सिंस और फोर का यूज मैंने कल आपको बता दिया था कि फोर का यूज करेंगे हम पीरियड ऑफ टाइम में, और सिंस का यूज़ करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अब यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम, वो हमें देखना है कि बच्चा 2 घंटे से रो रहा है, 2 घंटे से, यानी यहाँ पर है हमारा पीरियड ऑफ टाइम, वक्त निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, इसलिए ये आएगा 4। तो 4 to 2 hours, द चाइल्ड हैज़ बीन वीपिंग 4 to 2 hours। एक एग्जाम्पल लिख रखा है मैंने यहाँ पर, देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, मैं 7 बजे से अखबार पढ़ रही हूँ। तो इस यही रूल्स अप्लाई होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, मेक इंग्लिश आई, आई के साथ हम यूज करेंगे हैव बीन का, वर्ब है इसमें, काम क्या हो रहा है इसमें? पढ़ने का, पढ़ने की इंग्लिश रीड, और रीड में क्या लगाएंगे हम? आईएनजी, रीडिंग, क्योंकि इसमें आईएनजी फॉर्म आती है, आई हैव रीड।